भारत सरकार द्वारा चलनमांथी 500 અને 1000 રૂપિયાના દરની નોટો રદ થઈ ગયા હોવા છતાં પણ સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી આજે પોલીસે રૂપિયા 59000 ની બંધ થયેલી ચલણી નોટો ઝડપી પાડી ત્રણ ઇસમોની ધરપકડ કરી હતી। આ પકડાયેલા ત્રણ ઇસમો પૈકી બે અમદાવાદ શહેરના છે જ્યારે એક ઇસમ ધોળકાનો છે। પોલીસે આ નોટો કોને આપવાની હતી તે દિશામાં શરૂઆત કરી હતી। ब्लेकना ने व्हाइट करवानु षड्यंत्रनु पगेरु शोधवा हाल तपास अर्थे पोलीसे त्रणे इसमोनी अटकायत करी वधु पूछपरछ हाथ धरी हती। मोता दरमियान बातमी मळेल के वडाली विनायक होटल पासे एक जायलू गाड़ी तथा एक महिंद्रा वेरिटो गाड़ी इडर तरफथी जूनी रद्द थयेली नोटो लईने आवनार होवानी बातमीना आधारे अमू तथा पोलीस स्टाफना माणसो तथा पंचो साथे खानगी वाहनमो नाकाबंदी वॉचमो हता। दरमियान सांजे 19:30 वगे जायलो और वेरिटो गाड़ी आता कॉर्डन करी रोकी जायलो गाड़ी चेक करतो तेमोदी रद्द थयेली चलनी नोटो कुल किंमत रुपया 58,86,500 होय जे गाड़ी में बैठेल ड्राइवर मुस्तकीम फरीदमिया आबूवाला रही दरियापुर अमदावाद वाला ने सदर नोटो संबंधी पूछता पोतानुं होवानुं जणावेल अने तेनी साथे ईसम फरवा आवेल होवानुं जणावेल तेमज आ नोटो संबंधी पूछतो आ नोटो कोने आपवानी छे ते बाबते पूछतो तेने एवुं जणावेल के महिंद्रा वेरिटो गाड़ीवाळा याकूबभाईने आपवानी होवानुं जणावेल जेथी आ बाबते याकूबभाईने आ बाबते पूछता तो एमने एवुं जणावेल के शैलेशभाईने आपवानी छे तो सदर नोटो बाबते कोई आधार पुरावा रजू न करता बंने गाड़ियों और जूनी रद्द थयेली चलनी नोटो कब्जे लई कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवेल छे।